आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया। बंगाल का हर घाट मानो झूम रहा था। छठ व्रत धारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए पुलिस तो तत्पर दिखी ही, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांगुली लेन स्पोर्टिंग क्लब, बड़ा बाजार जय माता दी सेवा वेलफेयर सोसाइटी एवं विश्व भोजपुरी सम्मेलन संस्था की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। संस्था के सभापति तथा लाइव कोलकाता के सीईओ श्री सचिन त्रिपाठी, कार्यक्रम के संयोजक तथा महासचिव सचिन सोनकर का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर कई राजनीतिक तथा समाज सेवियों के साथ उद्योग जगत के प्रमुख चेहरे देखने को मिले। छठपटियों के सेवा के लिए एक अथक प्रयास इस में हम लोग प्राय आने का चर्चा करते हैं और प्राय हर साल आते भी हैं। भोजपुरी सबसे जुड़ा हुआ है यह मंच। अब मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा, कृपया जो सब लेकिन कुछ दिनों से आप लोग कुछ वर्षों से कलकत्ता में सुविधा होने के चलते कई तरह का यहाँ सुविधा हो गया, घाटों का सुविधा, रास्तों का सुविधा, हमारे समाज सेवियों द्वारा छठव्रती भाई बहनों के लिए सुविधा, जिसके चलते आज हम लोग कलकत्ता में भी कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ बीजेपी से जुड़ा है, कुछ तृणमूल से, सभी लोग यहाँ पर हैं जो जाकर स्वागत करेंगे। सबसे पहले छठी भैया की जय हो और सचिन भैया की जय हो। पार्टी बाद में है, पहले अपना रिश्ता है और यहाँ भी बैठे हैं मंचन को जो भी शिवजी को बोला भाई और विकास राय जी को, संतोष मिश्रा जी को, सबको मैं आज और लाइव कोलकाता चैनल के टीम है यहाँ पर बैठे हुए। मैं उन सबको दिवाली और छठ पर्व की हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। नमन संस्था के सभी लोगों को धन्यवाद। गरम गरम सचिन जी सबके लिए बना रहे हैं तो कोई भी स्थान न छोड़े, क्योंकि सचिन जी बहुत चतुर हैं, किसी के बाद में फंसाते हैं, किसी को आँख में फंसाते हैं और भोजन दिखा के सबको रात में फंसाते हैं। इसके सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार संस्था के सभी लोगों को जोर से बोले।